Hey guys, what's up? Welcome back to another hip hop news video. लेकिन सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं हनी सिंह पाजी को लेकर. तो उनकी तरफ से एक इंटरव्यू आउट हुआ है जहां पर वो बताते हैं कि वो अभी भी स्ट्रगल करते हैं गाने लिखने में, क्योंकि जो Gen Z ऑडियंस है वो अभी के लिए वो गाने नहीं पसंद कर रही है जो वो अभी बना रहे हैं. तो उसके ऊपर भी उन्होंने क्या कहा exactly वो आप लोग देख सकते हो. And we got a couple of mixed responses. Like some of the fans are liking it, some of the fans are saying it's not same Yo-Yo Honey Singh, and some of the fans are saying it's too much futuristic. Some of the fans are saying yeah, it's like old Honey Singh. So I'm also struggling with it, struggling with myself. I'm exploring myself because I haven't worked for 5 years. I was not making music for 5 years, so I was not aware what kind of music is happening. Next update निकल के आती है बादशाह भाई को लेकर. तो मैंने आपको ये वाली वीडियो में बता रखा था कि बादशाह भाई ने अपने शूज जो हैं वो गिफ्ट कर दिए थे फैन फेस्ट के अंदर एक फैन गर्ल को. तो उसका एक रील वायरल हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हो. साथ ही में करण औजला का सॉफ्टली गाना जो है वो #42 ग्लोबल पे ट्रेंड कर रहा है. साथ ही में कश्मीर की तरफ से उनके करम एल्बम का टीजर आउट हुआ है. लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, वो ये है कि पूरा का पूरा एल्बम हम लोग को 3 नवंबर को देखने को मिलेगा, पूरे के पूरे एक महीने बाद. साथ ही में पैंथर भाई की तरफ से एक पोस्ट आती है जहां पर वो लिखते हैं 2 मिली स्ट्रीम्स ऑन कसम पैदा करने वाले की, शुक्रिया सबका. साथ ही में उच्चाना के साथ शायद से उनका कोलैब आने वाला है, तो उनकी तरफ से स्टोरी आप लोग देख सकते हो. साथ ही में रागा भाई की तरफ से भी एक पोस्ट आती है जिसके कैप्शन में लिखा हुआ था बचा पूरा साल पैक्ड है, कंसिस्टेंसी का गला घोट दिया, चोक कर दिया है बीसी. साथ ही में कलमिंग की एक स्टोरी डालते हैं अपने हेटर्स के लिए, वो आप लोग देख सकते हो. भाई बंदे कहते थे कलम को स्ट्रीम्स नहीं आएंगे, लौड़ा मेरा. साथ ही में बंटाय रिकॉर्ड के आर्टिस्ट जैक्स के का डेब्यूट एल्बम आने वाला है जो कि एक तमिल एल्बम होने वाला है प्रॉपर, तो उसके लिए भी एक्साइटेड है. आई होप कि तुमको वीडियो पसंद आई होगी. लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ. मिलते हैं तुमसे ऐसी बेहतरीन अगली वीडियो में.